चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर अब चंद्रमा के सबसे करीब पहुंच गया है। इसरो 19 और 20 अगस्त की रात 2 बजे डी बूस्टिंग के जरिए विक्रम लैंडर को चंद्रमा के और करीब ले आया। डी बूस्टिंग यानी इस प्रक्रिया में स्पेसक्राफ्ट की रफ्तार धीमी की गई। इस ऑपरेशन के बाद लैंडर की चंद्रमा से सबसे कम दूरी सिर्फ 25 किलोमीटर और अधिकतम दूरी 134 किलोमीटर रह गई है। अब 23 अगस्त की शाम को चंद्रयान 3 चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा। अगर इस दिन लैंडिंग में समस्या आती है तो एक महीने बाद 23 सितंबर को फिर से प्रयास किया जाएगा, क्योंकि चंद्रयान 3 को अगली सुबह का इंतजार करना होगा जो कि वहां 28 दिन बाद होगी। वही 17 अगस्त को चंद्रयान 3 के प्रोपल्शन मॉड्यूल को लैंडर रोवर से अलग किया गया था। प्रोपल्शन मॉड्यूल अब कई महीने तक चंद्रयान की कक्षा में रहकर धरती से आने वाले रेडिएशंस का अध्ययन करता रहेगा, जबकि लैंडर रोवर चंद्रमा की सतह पर उतरकर 14 दिन तक पानी की खोज सहित अन्य प्रयोग करेंगे। साथ ही ये भी पता लगाया जाएगा कि चांद की सतह पर भूकंप कैसे आते हैं।